नतीजों से जुड़े कुछ सवाल आ रहे हैं और ये बजाज फिनसर्व के बारे में पूछा है अनिल चावला जी ने कि इसके नतीजों के बाद इस शेयर पे क्या नजरिया बन रहा है। देखिए ओवरऑल, देखिए आप हमसे हर स्टॉक का पूछें, पहले मैं आपको अपना पूरा का पूरा अभी तक का BFSI का ही वैल्यूएशन बता देता हूँ, ओके। उसके बाद आप उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे BFSI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आप उसको एक्सट्रापोलेट करके समझ सकते हैं। एक आधा डिविएशन होगा। अब आप मुझे पूछेंगे कि सिटी यूनियन बैंक तो अब रिजल्ट ही अच्छा नहीं है, तो उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो व्यू मेरा बन रहा है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे, वो ऐसा है, जो उनका इंटरेस्ट इनकम है किसी भी तरह से रोक लगता हुआ नहीं दिख रहा है, ओके। जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये ग्रॉस लेवल पे या नेट लेवल पे, मोस्टली इम्प्रूवमेंट, यानी क्लीन बैलेंस शीट का जो ट्रेंड चला है पिछले 6-8 साल से, वो कंटिन्यूड है। और मेरे लिए इतना बहुत है इस समझदारी के लिए कि ये सेक्टर में आगे दम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि निम्स कॉम्प्रेस होने शुरू हो गए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कॉम्प्रेशन शुरू हो गया है, ओके। बिकॉज डिपॉजिट्स रीप्राइस हो रहे हैं हायर, तो उसके कारण से इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कॉम्प्रेस हो रहे हैं। और मैंने आपको हमेशा समझाया है कि अगर ऑपरेशनल लेवल पे मार्जिन कॉम्प्रेस होते हैं, या नेट इंटरेस्ट मार्जिन फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर कॉम्प्रेस होता है, तो प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं करेक्ट होता है, प्राइस वैल्यूएशन को एडजस्ट करता है, वैल्यूएशन को नॉर्मलाइज करता है। वही आपके सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज ए सेक्टर में दिखेगा। अब ये अपनी बुद्धिमानी इसमें हमें देखनी है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिखता है, या शॉर्ट टर्म के झटके को हम पूरे तरीके से खराब मान के चलें। हर इवैल्यूएशन अलग तरीके से होगा, बिकॉज जिस तरह से पागलों की तरह ये जो PSU बैंक्स में रन आया था, और उसके बाद बीच में हमारे, आप इस राजीव जी के चैनल पे हमारे डिस्कशन को सुनिएगा, जिससे मैंने आप लोगों को बहुत वार्न किया था, बरसों का ब्रेकआउट डिस्कस हो रहा था बैंक PSU बैंकिंग इंडेक्स में, और उसके बाद क्या टारगेट आ रहे थे, लेकिन कहीं पे भी थ्रोबैक वाला डिस्कशन नहीं हुआ था, जो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया था। वेट कीजिए थ्रोबैक का, जिस दिन होगा बहुत खतरनाक होगा PSU बैंक, वही हो रहा है, और ये होना ही वो फिनोमिनन है। आपको निफ्टी स्मॉल कैप पे मैंने थ्रोबैक दिखाया 12,000 का, उस तरीके से समझिए होना ही है। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी ये खराब करता है? गजब इंटरेस्ट इनकम में जंप है बैंक्स का, और जिस दिन आपका क्रेडिट कॉस्ट फिर से कम होने लगेगा, फिर आपके लिए ये बेहतर ही होता जाएगा। मुझे क्रेडिट ग्रोथ अगर आप नॉमिनल GDP के रेंज में या उससे 2 परसेंटेज पॉइंट ऊपर भी रख देंगे, तो मुझे लगता है कि वो क्रेडिट ग्रोथ इज गुड फॉर द इकोनॉमी। बाकी मैंने पहले भी समझा चुका हूँ कि मैं एक एक डेसिमल और एक एक सेंटीमीटर की एनालिसिस तो नहीं करता, बिकॉज एक जनरल व्यू लेना चाहिए, उतना ज्यादा मीन में एक भी नहीं करना चाहिए। ओवरऑल आपके बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बहुत दम है, उनको थोड़ा कूल ऑफ होके स्टेबलाइज होने दीजिए, उसके बाद उनकी चाल फिर से शुरू होगी। लेकिन फिलहाल वो सब के सब करेक्टिव पैटर्न से गुजर रहे हैं। तो ओवरऑल आप मेरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इंक्लूडिंग AMC स्टॉक, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस स्टॉक, इन विद इन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सब पे मेरा सेम व्यू है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, आगे बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो सबका मार्जिन का एडजस्टमेंट हो रहा है और होगा ही होगा, ओके। इसके बैकड्रॉप में मैं आपको बजाज फिनसर्व समझाता हूँ। बजाज फिनसर्व का ऐसा मामला है साहब कि ये 50 DMA के पास स्ट्रगल चालू है इसका, और यहाँ से एक पोटेंशियल अपसाइड आ सकती है। अब आप ध्यान दें कि जब तक आपका फ्राइडे का लो होल्ड कर रहा है ना, विच इज 1551 या 1550, याद रखने के लिए रखिए, वो लो होल्ड कर रहा है, इसका मतलब फिर ये 200 DMA की तरफ अब नहीं जाएगा, मतलब ये ट्राई करेगा वापस आने के लिए 1670-1690 में जोन में, ओके। तो आपको ध्यान ये रखना, अब पहला आपका यहाँ पे कंक्लूजन ये होना चाहिए कि बजाज फिनसर्व अभी एक ट्रेडिंग स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं है। तो ट्रेडिंग आपको डायरेक्शन के हिसाब से बिठानी है, और डायरेक्शन ये कहता है कि फ्राइडे का लो अगर होल्ड करता है तो जो प्रीवियस हाई है वो रिटेस्ट होना चाहिए। अगर फ्राइडे के लो के नीचे क्लोज हुआ तो 200 DMA या उसका जो लो है 1450 का, वो रिटेस्ट होना चाहिए।
ये इसका सिंपल एनालिसिस है। जी, तो फिलहाल अगर फिनसर्व के नतीजों के बाद इसकी चाल जो है वो देख लें, लेकिन कुल मिलाकर के फिनसर्व के रिजल्ट्स में स्पेसिफिकली आपने कुछ देखा हुआ अलग से? नहीं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा खास मुझे अलग देखने को तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मोस्टली अराउंड एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं। देखिए, जो भी स्ट्रीट एस्टिमेट आते हैं ना, वो बहुत सारा एवरेजिंग होता है। बहुत सारे ब्रोकर्स का व्यू लेके उसके एवरेजिंग करते हैं। इसलिए मैं जो भी अपनी असेसमेंट करता हूँ, उसमें मैं हमेशा 5% का मार्जिन रख लेता हूँ, बिकॉज कुछ ऊपर कुछ नीचे ये हो सकता है। जब तक 5% से ज्यादा डिविएशन नहीं हो जाए, मैं उस पर कोई एक अलग से व्यू बनाता नहीं। वो मार्केट परफॉर्म के रेंज के हिसाब से ही मैं देखता जी,